नमस्कार, आई एम डॉक्टर के अग्रवाल। आज का सवाल है के अग्रवाल की अद्वैत रामायण। हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण की, अद्वैत रामायण। हमारी भारतीय संस्कृति में दो सोच है, द्वैत और अद्वैत। द्वैत का मतलब है कि लोग, भगवान अलग है और मैं अलग हूँ। अद्वैत का मतलब है गॉड इज इन विद इन मी, और अद्वैत रामायण का मतलब है कि मेरे अंदर भी रामायण चल रही है। उसको मैं मॉडर्न मेडिसिन से कैसे जोड़ूं? मेरा शरीर 5 तत्वों से बना है। जो तत्व दिखाई देता है वो पृथ्वी यानी कि पृथ्वी की पुत्री सीता, तो मेरा शरीर सीता। अगर मेरा शरीर सीता तो राम मेरी आत्मा, और दोनों को मिलाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? ए माइंड विद डिटर्मिनेशन, ए माइंड विद एम, ए माइंड विद ए लक्ष्य, लक्ष्यमण, द माइंड विद लक्ष्य। सो देयरफॉर माइंड बॉडी एंड सोल सिग्निफाइज राम सीता एंड लक्ष्मण। ये तीनों इकट्ठे रहेंगे जब मेरी 10 इंद्रियां कंट्रोल में होंगी। इंद्रियां चंचल होती हैं, चंचल घोड़े होते हैं, 2 घोड़ों को रथ बोलते हैं और 10 घोड़ों के रथ को दशरथ बोलते हैं। अगर मेरे शरीर में 10 इंद्रियों में मेरा कंट्रोल है, राम सीता लक्ष्मण इकट्ठे होंगे, मुझे कोई लाइफस्टाइल बीमारी नहीं होगी। लाइफस्टाइल बीमारी होने के लिए मुझे 5 फैक्टर्स, कोई ना कोई एक फैक्टर मुझे कंट्रोल करेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम यानी कि केकई, लोभ यानी कि मारीच, अहंकार यानी कि रावण, तीनों में से एक भी नहीं था तो रामायण नहीं होती। काम यानी कि केकई जब सामने आएगी तो दशरथ यानी कि इंद्रियां मरेंगी। काम से क्रोध पैदा होगा, लक्ष्मण को क्रोध आएगा, शूर्पणखा की नाक काटेगा, तो अहंकार यानी कि रावण लोभ यानी कि मारीच को भेजेगा, जिससे आत्मा और मन यानी कि लक्ष्मण और राम भटकेंगे। रावण यानी कि अहंकार शरीर पर कंट्रोल कर लेगा, यानी कि मेरा शरीर अहंकारी हो गया। लक्ष्मण और राम यानी कि मेरा शरीर जो है अब वो मन के कंट्रोल में नहीं है, आत्मा के कंट्रोल में नहीं है। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को अपने शरीर में अहंकार से विजय पानी है ताकि मेरा माइंड बॉडी सोल फिर इकट्ठे हो सके। इसके लिए सबसे पहले मुझे अपने मन को वायु द्वारा कंट्रोल करना है, यानी कि वायु पुत्र हनुमान, अपने अंदर के हनुमान को जागृत करना है बाय पैरासिम्पथेटिक ब्रीदिंग, स्लोअर एंड डीपर ब्रीदिंग। जैसे मैं वो करूँगा तो सारे मेरे विचार जो बंदरों की तरह फुदकते हैं कंट्रोल में आ जाएंगे। वंस आई हैव लर्न टू कंट्रोल माई माइंड एंड द थॉट्स, अब मुझे कंट्रोल करना है मेरा इंटेलेक्ट, राजा यानी कि सुग्रीव। उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे को लस्ट यानी कि वासना यानी कि वाली को कॉन्शियसनेस यानी कि राम के द्वारा प्रत्याहार यानी कि ऐसे एटमॉस्फियर में ले जाके मारना है जहाँ पे एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर हो, जहाँ पे कोई चीज़ मुझे भटकाए नहीं। जैसे ही मैंने ऐसे किया और उसके बाद में मैंने मन लगा के काम किया तो सबसे पहले मेरा तमस यानी कि कुंभकर्ण मरेगा मेरे शरीर में, फिर रजस यानी कि मेघनाथ मरेगा, फिर अहंकार यानी कि रावण मरेगा, और उसके बाद में मेरे शरीर में सातवा यानी कि विभीषण का राज होगा, और मेरे शरीर में माइंड बॉडी एंड सोल राम सीता लक्ष्मण फिर इकट्ठे हो जाएंगे। अब क्योंकि दशरथ नहीं है तो मेरे को एक अल्टरनेटिव चाहिए, तो वो आप हनुमान यानी कि प्राणायाम यानी कि पैरासिम्पथेटिक ब्रीदिंग को अपने साथ लेके जाएंगे। तो याद रखिए, पैरासिम्पथेटिक ब्रीदिंग, स्लोअर एंड डीपर ब्रीदिंग अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बच सकते हैं। थैंक यू।